नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अपने उसी क्रम में जिसमें हमने स्टार्ट किए थे टॉपिक। सबसे पहले हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय की, उसके बाद में हमने अंडररूट वाली संख्याओं को सीखा कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। उसी क्रम में एक लास्ट में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि बताइए कि इसका मतलब प्रसार शांत है या अशांत है। इस तरीके से एक आपको परिमेय संख्या दे दी जाती है और उसमें आपको देखना होता है कि इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो उसको अपने किस तरीके से सवाल को करना है या किससे अपने को पता चल जाएगा कि वो शांत है दशमलव प्रसार उसका या अशांत है। और आप लोग जानते हो जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है वो परिमेय संख्या होती है, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो में आप डाला था कि कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होती हैं, आप उसमें देख सकते हो अच्छे से। और अब बात करते हैं अपने कि कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम भाग लगा के बता सकते हैं कि इसका दशमलव शांत है या नहीं है, क्योंकि जिसका भाग चलता ही जाएगा वो अशांत है और जिसका भाग रुक जाएगा करने के बाद में शेषफल अपने को जीरो प्राप्त हो जाएगा तो वो तो शांत हो जाएगा। लेकिन अपने को बिना भाग किए कैसे पता लगाएं कि ये अपना जो प्रसार है इसका शांत है या अशांत है, वही अपने दसवीं क्लास में दिया हुआ है। तो पॉइंट नंबर 4 प्रश्नावली है और उसी के अंदर अपने को देखना है शांत है या अशांत है, लेकिन भाग विधि का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो अपने सीखते हैं इसके बिना भाग किए दशमलव देखना शांत है या अशांत। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले एक लाइन याद रखनी होगी आपको। यदि भिन्न का हल 2 की घात n या 5 की घात n या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है तो दशमलव प्रसार शांत होगा। ये लाइन अगर अपने को याद है तो ये एक तरीके से कंसेप्ट ही है इसका, शांत और अशांत अपने को बताना है। तो इसका मेन कंसेप्ट इसी लाइन पे आधारित है, बिना भाग किए शांत और अशांत बताना हो। अगर HCF LCM में से प्रश्न नहीं आता बोर्ड के अंदर तो इसमें से 100% प्रश्न आता है कि बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अपने 13/16। ठीक है, अब एक तो तरीका ये होता है कि भाग लगा के अपने बता दें 13/16 का कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या नहीं है, लेकिन भाग लगाए बिना तो देखिए हर का क्या करेंगे अपने को गुणनखंड करना है। सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे तो 16 दो से लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 4 बार जाएगा, फिर 2 से 2 बार, फिर 2 से 1 बार, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। तो अपने लिखेंगे हर के गुणनखंड सबसे पहले, तो क्या आ गया अपने पास, ये आ गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं अपने, 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसको। तो अब बताइए दशमलव प्रसार कैसा होगा, कैसा होगा, शांत होगा। क्यों, क्योंकि नीचे वाला हर है वो किस रूप में है, 2 की घात m के रूप में है ना, इस रूप में है।
तो अपने पास क्या होगा, दशमलव प्रसाद संत होगा। अब इसको हल करना कैसे होता है, तो अब आप लोग क्या कीजिए कि दो की घात वाला पद तो है लेकिन पांच की घात वाला नहीं है, तो इसके पास चार घात है, तो पांच की घात चार वाला ऊपर नीचे गुणा कर देंगे अपने। अब ये आप लोग सोच रहे हो क्यों गुणा किया इसको, क्योंकि अपने को नीचे दस चाहिए, समझ रहे हो। अगर नीचे दस आ जाएगा है ना, क्योंकि देखो घाते दोनों के ऊपर हो तो वो घाते होती है वो इन दोनों के ऊपर भी लगाई जा सकती है ब्रैकेट लगा करके, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों का गुणा करना होगा, उसके बाद में दस आने से फायदा क्या होगा। अब आप लोग देखिए पांच की घात चार का मतलब 625 और ये कितना हो गया, दो गुणा पांच की घात चार। क्यों, क्योंकि आपने पता है कि ये चार चार घाते दोनों के ऊपर है, तो इसको ब्रैकेट लगा के ऊपर भी लिखा जा सकता है। अब 13 को गुणा करने 625 से, तो 13 पंचे 65, 6 यहां से 26 और 6 कितने होते हैं 32, 32 और 3 है यहां से और 13 छिकी 78, 78 और 3 कितने होते हैं 81 और नीचे कितना आ गया अपने पास 10 की घात 4, 10 की घात 4 का मतलब 40, ठीक है। तो 40 आ गई अपने पास, तो पीछे से 4 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो बिना भाग किए ये अपना आंसर आ गया। और दशमलव प्रसार हमने बता दिया कि शांत है, क्योंकि अगर दशमलव प्रसार अशांत होता तो ये चलता रहता और नीचे वाले पद में कुछ और आ जाता, जैसे यहां पे अगर 3 आ जाता कल को नीचे की ओर तो ये दशमलव प्रसार अशांत हो जाता, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक आएगा नीचे, इन तीनों में से कोई एक आएगा तभी दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो ये नियम याद होना चाहिए, यदि भिन्न का हल 2 की घात n और पांच की घात n और 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में है तो ही दशमलव प्रसार शांत होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा आपके अच्छे से। अब 2.4 के जितने भी कंसेप्ट थे, जितनी भी अवधारणाएं थी, जिनके बलबूते ये सवाल हो रहे थे सारे के सारे, वो हमने अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। अब आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप अच्छे और भी अच्छे नंबर ला सकें और वहां पे बोर्ड में अपने जब एग्जाम होगा तो गलती ना हो हमसे, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिएगा।